हेलो एंड वेलकम दिस इज़ डॉक्टर आकृति एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म केडी कैंपस कहते हैं इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं तो ये वक्त इंतज़ार नहीं कोशिश करने का है और आपकी इस ईमानदार कोशिश के साथ के डी हमेशा आपके साथ है ठीक है तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप खुद को इमेजिन करो ठीक है यू आर सिटिंग विद वाइट कोट एंड अ स्टेथोस्कोप अराउंड योर नेक एंड यू आर पोस्टेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एम्स न्यू डेली आपके पास एक ट्रॉमा या एक्सीडेंट का केस आता है एंड द पेशेंट इज हैविंग प्रोफ्यूज ब्लीडिंग पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो एज अ डॉक्टर आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है राइट right. आपने देखा होगा आपकी आईडी कार्ड्स चाहे वो स्कूल का हो या कोई आपकी पर्सनल डायरी हो उसमें ब्लड ग्रुप ग्रुप का पॉइंट हमेशा रहता है नेम एंड एड्रेस के साथ ब्लड ग्रुप मेंशन करना हमेशा जरूरी होता है क्या आपने सोचा है कि इसका इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस है चलो आज देखते हैं सबसे पहले ब्लड ग्रुप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एंड एंटीबॉडी के बारे में बताना चाहूँगी आई एम श्योर sure आप सब में से बहुत लोगों को पता होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे आप सिंपल समझो बॉर्डर पे टेररिस्ट ने अटैक किया ठीक है return, किया। किया इन रिटर्न हमारी ब्रेव इंडियन आर्मी ने काउंटर अटैक किया क्या हुआ टेररिस्ट ने अटैक किया एंड इन रिटर्न हमारी ब्रेव इंडियन आर्मी ने फायरिंग की एंटीजन एंड सिमिलर केस हमारी बॉडी के साथ होता है Bacteria, virus, कोई भी pathogen, जब हमारी body को अटैक करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम सिक्रिट एंटीबॉडीज टू फाइट दैट इन्फेक्शन दूसरी स्टोरी सुनो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर सर्टेन मार्कर्स थे और इन मार्कर्स का उन्होंने नाम दिया एंटीजन उन मार्कर्स में जब किसी दूसरे इंडिविजुअल का सीरम मिलाया गया तो एक रिएक्शन हुआ उस रिएक्शन का नाम दिया उन्होंने अग्लूटिनेशन रिएक्शन एंड कार्ल लैंडस्टीनर को उनकी इस डिस्कवरी के लिए 1930 may Nobel Prize Mila. Kya Mila Nobel Prize. So in 1930, Carl Lans one second. In nineteen thirty, Carl Landsteiner was awarded the Nobel Prize for his discovery on the blood groups. So जब उन्होंने देखा कि एंटीजन एंड सीरम के एंटीबॉडीज ने रिएक्ट किया तो उस रिएक्शन का नाम क्या दिया उन्होंने अग्लूटिनेशन क्या नाम दिया अग्लूटिनेशन सो अग्लूटिनेशन अकर्ड वेन दी सी एंटीजन वो बाउंड बाई एंटीबॉडीज इन सीरम रेड ब्लड आपको पता है किस शेप का होता है बाईक डिस्क ठीक है रेड ब्लड सेल बाइकॉन्केव डिस्क हुआ इसके सरफेस पे उन्होंने क्या देखा कुछ मार्किंग्स थी जिसका नाम उन्होंने क्या रखा एंटीजन एंटीजन किससे कंबाइन हुआ सीरम के एंटीबॉडीज के साथ सीरम के एंटीबॉडीज के साथ ओके okay? सो so, ये एंटीजन कंबाइन हुआ सीरम के एंटीबॉडीज के साथ और कौन सा रिएक्शन हुआ अग्लूटिनेशन रिएक्शन एंड ही कॉल्ड दी ए ए एंड बी उनके अकॉर्डिंग दो एंटीजें थे ए एंड बी अब ब्लड ग्रुप्स के क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं ए बी ओ हो गया आर एच हो गया एम एन हो गया डफी हो गया बट आम तौर पे और आपके लिए जानना जरूरी है सिर्फ दो ब्लड ग्रुप्स के बारे दैट इज दी ए बी ओ एंड दर एच तो सबसे पहले पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप्स के बारे आमतौर पे ब्लड ग्रुप्स चार तरीके के होते हैं ए बी ए बी एंड ओ एक रूल है इसको हमेशा याद रखना आपका जो ब्लड ग्रुप है आपके आर बी सी के सरफेस पे वही एंटीजन है मतलब अगर मेरा नाम आकृति है और मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे आर बी सी पे कौन सा एंटीजन होगा ए सिमिलरली अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आर बी सी पे कौन सा एंटीजन होगा बी सो so, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है आपके आरबीसी के सरफेस में वही एंटीजन होगा तो एंटीजन उन्होंने क्या कहा कार्ल एंटीनर ने कहा था कि एंटीजन दो तरीके के होते हैं कौन कौन से ए एंड बी कौन कौन से एंटीजेंस हैं ए जी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंटीजन ए एंड बी तो एंटीजन मैंने कहा बताया कहां पे होते हैं आरबीसी पे अब बात करते हैं एंटीबॉडीज की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में कहां पे हैं प्लाज्मा अब एंटीजन दो तरीके के हैं तो एंटीबॉडीज भी दो तरीके की होंगी एंटी ए एंड एंटी बी तो एंटीबॉडीज़ क्या हो गई कितने तरीके की एंटी ए एंड एंटी बी सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ टू सर्फिस एंटीजें कहा एम सी क्यू अगर आपसे पूछेंगे की ए एंड बी एंटीजेंस एंड बी एंटीजेंस की बात कर रही हूं मैं इफ दे आ ए एंड बी एंटीजेंस कहा होते हैं सो दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आर बी सी डब्ल्यू बी सी में ए एंड बी नहीं होता प्लेटलेट्स में नहीं होता तो अगर ये आपको एमसीक्यू में आएगा तो डोंट गेट कन्फ्यूज द ए एंड बी प्रेजेंट ऑन दर बी सी अब एंटीबॉडीज के मैंने बारे में बताया एंटीबॉडीज कितने टाइप की होती हैं? दो एंटी ए एंड एंटी बी एंड एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में Similarly, the plasma of different individuals contains two natural antibodies. And what are antibodies? They are the proteins produced in response to antigens. They are the proteins which are produced in response to antigens. अब, Landsteiner ने एक और काम किया था कि उन्होंने अपना law दिया था, जिसको हम कहते हैं Landsteiner law. वो क्या कहता है कि अगर मेरा blood group A है ठीक है मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे आर बी सी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा ए पर क्या मेरे प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होना चाहिए खुद सोचो कि अगर एंटी ए एंटीबॉडी हुई मेरे प्लाज्मा में तो क्या वो मेरे एंटीजन को मार डालेगी मार डालेगी है ना तो लैंस्टीनर ने कहा कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए ठीक है क्या कहा उन्होंने कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है या कोई भी ब्लड ग्रुप है तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग का सेम एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में नहीं होना चाहिए आओ इसको पढ़ते हैं इफ एन अग्लूटिनोजन अग्लूटिनोजन का मतलब है एंटीजन क्या मतलब है एंटीजन सो so, लैंडस्टीनर लॉ का पहला हिस्सा यह कहता है दैट इफ एन अग्लूटिनोजेन इज प्रेजेंट ऑन द रेड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द इंडिविजुअल द दॉरिस्पॉन्डिंग अग्लुटेन मतलब एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा सो अगर मेरा ए ब्लड ग्रुप है मेरे पास ए एंटीजन है और अगर वही एंटीबॉडी मेरे प्लाज्मा में है तो क्या हो जाएगा सुसाइड है ना जो कि हमें नहीं करवाना तो हमेशा दूसरा एंटीबॉडी प्रेजेंट होना चाहिए प्लाज्मा में ये कहता है लैंडस्टीनर लॉ का पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इफ एन मतलब इज एंटीजेट फ्रॉम द द द द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑफ इंडिविजुअल से आरबीसी मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कुछ नहीं किया है उसी पहली चीज को घुमा के कह दिया है कि अगर एंटीजन एबसेंट है आरबीसी में तो उसी का एंटीबॉडी प्रेजेंट होना चाहिए प्लाज्मा में अब ये मैंने आपको बेसिक बात बताई है जिसके बाद आपको ब्लड ग्रुप समझने में काफी ईजी होगा देखो कैसे एक एक करके देखते हैं ठीक है चार ब्लड ग्रुप से ए बी ए बी एंड ओ ए ब्लड ग्रुप पे आ जाओ तो आपका ब्लड ग्रुप ए अब ए ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन होगा ए एंटीजन है ना क्या इसके प्लाज्मा में एंटी एंटीबॉडी हो सकती है नहीं हो सकती है क्योंकि वो उसको मार डालेगी एंटी ए एंटीबॉडी ए एंटीजन को मार डालेगी तो उसका दूसरा एंटीबॉडी होगा और एंटी बी एंटीबॉडी होगा आई बात समझ बी ग्रुप पे देखो ब्लड ग्रुप बी मतलब कौन सा एंटीजन बी एंटीजन क्या उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी हो सकती है नहीं वो उसको मार डालेगी तो कौन सी एंटीबॉडी होगी एंटी ए ए बी पे आ जाओ ए बी मतलब ए भी और बी भी तो दो एंटीजेंस हो गए उसके पास ए एंड बी एंटीजन अब आप खुद सोचो अगर मैंने इसको एंटी ए दे दिया तो ए को ये मार डालेगा अगर मैंने इसको एंटी बी दे दिया तो बी को मार डालेगा तो क्या इसके पास कोई एंटीबॉडी होगी नहीं ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी इसीलिए हम कहते हैं नन क्या कहेंगे नन अब ओ पे आ जाओ अब आप सोचोगे ओ ये क्या हुआ कौन सा एंटीजन हुआ कोई एंटीजन नहीं ठीक है क्योंकि ओ, को, ओ, कोई कोई एंटीजन होता ही नहीं मैंने आपको बताया दो एंटीजन ए एंड बी तो ओ के पास नो एंटीजन अब कोई एंटीजन नहीं है मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंटी कोई भी एंटीबॉडी आ सकती है तो लो इसके पास दोनों है एंटी ए भी है एंटी बी भी है इतनी बात समझ आ रही है चलो आगे अब आओ ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी पे डोनर कंपैटिबिलिटी आपने अक्सर एड्स में देखा होगा कि ओ पॉजिटिव ब्लड रिक्वायर्ड या ए बी नेगेटिव ब्लड रिक्वायर्ड तो इतना कंपैटिबिलिटी जानना इतना क्यों जरूरी है ये तो आपको समझ आ गया कि अगर मैं ए हूं और मुझे ब्लड बी मिल जाएगा तो क्या होगा है ना क्यों क्योंकि उसका जो एंटी ए होगा वो मेरे ए एंटीजन को मार डालेगा सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड का ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है इस चार्ट से आपको पता चलेगा कि कौन से ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है डोनर का कौन सा ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है ये चार्ट आपका एनसीआरटी में दिया हुआ है ये जो टेबल है ये एनसीआरटी में दिया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईजी है पर कभी कभी ट्विस्टेड क्वेश्चन बना के गेट यू कंफ्यूज फॉर योर एम सी क्यू सो पे अटेंशन देखो ब्लड ग्रुप ए मतलब कौन सा एंटीजन ऑन आरबीसी ए एंटीबॉडी इन प्लाज्मा कौन सा एंटीबॉडी इन प्लाज्मा होगा एंटी बी क्लियर हुए है आगे देखो बी कौन सा एंटीजन बी कौन सी एंटीबॉडी एंटी ए ए बी के पास दोनों एंटीजन है ए एंड बी क्या कोई एंटीबॉडी है ए बी के पास नहीं नील ओ मतलब कोई एंटीजन नहीं है बट दोनों एंटीबॉडीज हैं सो एंटी ए एंड एंटी बी अब आ जाओ अब आप बस ओ को देखो बस ओ ब्लड ग्रुप को देखो क्या ओ के पास कोई एंटीजन है नहीं मतलब उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बॉडी में इम्यून रिएक्शन क्रिएट कर सके मतलब क्या है कोई एंटीजन नहीं है मतलब टेररिस्ट फायरिंग करेगा ही नहीं तो क्या मैं ओ सबको दे सकती हूँ बिल्कुल दे सकती हूँ क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं जो इम्यून रिएक्शन कराएगा तो चलो मैंने ए को भी दे दिया ओ ब्लड ग्रुप बी को भी दे दिया ए बी को भी दे दिया और ओ को भी दे दिया इसी रीजन से ब्लड ग्रुप ओ इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर क्या कहेंगे इसको वी कॉल इट द यूनिवर्सल डोनर क्यों क्योंकि ये सारे ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है बिकॉज इट हैज नो एंटीजन अब ए बी पे आ जाओ एबी के पास तो दोनों एंटीजन है बट कोई एंटीबॉडी नहीं है अब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो कोई फाइट करने वाला नहीं है ना कोई रिएक्शन देने वाला नहीं है तो क्या इसको सारे ब्लड दे सकते हैं बिल्कुल सारे ब्लड दे सकते हैं क्योंकि कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो इसको ए ने भी ब्लड दे दिया बी ने भी दे दिया वो तो दे ही सकता है और ए बी भी दे सकता है तो ए बी ब्लड ग्रुप को सारे डोनर uh, सारे ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेट कर सकते हैं एंड दिस इज द रीजन दैट ए बी इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या कहेंगे इसको यूनिवर्सल रेसीपियंट अब आ जाओ ए पे ए के पास कौन सी एंटीबॉडी है एंटी बी क्या मैं ए को बी ब्लड ग्रुप दे दूं दे सकती हूं नहीं क्योंकि बी का जो एंटी ए है वो ए को मार डालेगा तो ए को सिर्फ ए ही ब्लड ग्रुप दे सकता है आई बात समझ अब आ जाओ बी पे क्या मैं बी को ए ब्लड ग्रुप दे सकती हूं बताओ क्या मैं बी को ए ब्लड ग्रुप दे सकती हूं नहीं दे सकती क्यों क्योंकि ये एंटी बी बी को मार डालेगा सो so, बी को सिर्फ ओ के अलावा सिर्फ बी ब्लड दे सकता है इतनी बात आ गई समझ एक बार मैं और रिपीट कर रही हूं इस चीज को कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे ए बी ए बी एंड ओ चार ब्लड ग्रुप्स हैं अब ओ जो है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है वो सबको ब्लड दे सकता है ओ इज द यूनिवर्सल डोनर तो उसने ए को भी दे दिया बी को भी दे दिया ए बी को भी दे दिया और ओ को तो देगा ही ए को और कौन दे सकता है सिर्फ ए बी को कौन दे सकता है सिर्फ बी ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ए बी को सारे ब्लड दे सकते हैं सो so, इसको ए बी दे सकता है बी भी दे सकता है ए बी भी दे सकता है और ओ को ओ को सिर्फ ओ दे सकता है तो आप खुद सोचो ओ इज द यूनिवर्सल डोनर बट उसको सिर्फ ओ ब्लड दे सकता है यहां तक हमने की एबीओ की बात अब हम आगे बात करेंगे दूसरे ब्लड ग्रुप सिस्टम की जिसका नाम है आर एच हम जो है ह्यूमंस वी हैव इवॉल्व फ्रॉम द मंकीज तो उनकी कुछ जीन्स है जो हम में अभी तक प्रेजेंट हैं। उसी में से एक है हमारी आर एच ग्रुपिंग जिसके बारे हम पढ़ने वाले हैं सो so, आर एच आप देख सकते हो ये। तो आर एच ग्रुपिंग का जो ओरिजिन है दिस इज फ्रॉम द रीसेस मंकी किससे है रीसिस मंकी से है एंड दिस इज द रीजन दैट दिस इज नोन एज दर एच एंटीजन ये भी आर बी सी के सर्फिस पे होता है ये भी एम सी क्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए और बी एंटीजन तो आर बी सी के सर्फिस पे होते ही हैं साथ में आर एज एंटीजन भी आर बी सी के सर्फिस पे होता है ठीक है एक और मैं बात आपको बता दूं आर एज एंटीजन बोलते हैं बट उसको हम लिखते हैं डी एंटीजन आमतौर पे बोल देते हैं आर एच एंटीजन आपके एनसीआरटी में भी आर एज एंटीजन है इसलिए मैं आर एज के टर्म से बात कर रही हूँ बट आपके नॉलेज के लिए ये रखना कि आर एज ग्रुपिंग में जो एंटीजन है वो होता है डी एंटीजन बट हम इसको आर एच एंटीजन की तरह ही डिनोट करके चलेंगे बिकॉज आपके लेवल पे वो इंपॉर्टेंट है जस्ट इन केस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड या उस तरीके का आ जाए तो याद रखना आर एच ग्रुपिंग में डी एंटीजन की बात करते हैं ठीक है अब देखो किसी भी पर्सन को हम आर एच पॉजिटिव तब कहते हैं जब या तो वो होमोजाइगस एक सेकेंड किसी भी पर्सन को हम आर पॉजिटिव तब कहते हैं जब या तो वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो अब ये होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दीज आर जेनेटिक टर्म्स ठीक है जेनेटिक्स टर्म तो जेनेटिक्स जिसने पढ़ रखा है उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा बाकी आगे की क्लासेज में क्रैश कोर्स में भी आपका जेनेटिक्स क्लास लिया जाएगा जिसमें ये आपको और क्लियर हो जाएगा तो आर एच पॉजिटिव हम किसी को तब कहते हैं जब वो होमोजाइगस आर आर हो या हेट्रोजाइगस आर आर हो मतलब आम भाषा में कहें तो एक कैपिटल आर होना जरूरी है फॉर अ पर्सन टू बी आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव तब कहते हैं इट इज आपका कैपिटल आर कैपिटल हो गया आपका स्मॉल आर स्मॉल आर एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव आई बात समझ में आर एच पॉजिटिव कैपिटल आर कैपिटल आर होमोजाइगस और कैपिटल आर स्मॉल आर एंड आरएच नेगेटिव इज स्मॉल आर स्मॉल आर मतलब इसके पास आर एंटीजन है ही नहीं आरएच एंटीजन है ही नहीं ओके okay? अगर अ पर्सन इज आरएच नेगेटिव मतलब उसके पास वो एंटीजन है ही नहीं और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करो जब एक आरएच पॉजिटिव बंदा शादी कर लेता है किसी आरएच नेगेटिव लड़की से ओके okay? तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है आगे चल के प्रेगनेंसी में जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं क्या बोला मैंने एक सिचुएशन इमेजिन करो व्हेन आर एच पॉजिटिव फादर एंड आर एच नेगेटिव मदर आ जाओ देखते हैं सबसे पहले है फादर और ये है मदर फादर आर एच पॉजिटिव मदर आरएच नेगेटिव ठीक है इतनी बात आ गई समझ अब देखो आर एस पॉजिटिव को हमने डिनोट कर दिया कैपिटल आर कैपिटल आर आर एस नेगेटिव हो गया स्मॉल आर स्मॉल आर तो जब ये कंसीव करेगी फीमेल हु इज आर एस नेगेटिव तो क्या होगा इसका जेनेटिक क्रॉस देखो हम बना रहे हैं क्रॉस ये फादर का कैपिटल आर कैपिटल आर ये मदर का स्मॉल आर स्मॉल आर देख रहे हो सारे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे दे विल बी आर एच पॉजिटिव सो so, हंड्रेड परसेंट जितने भी ये, ये लोग जितनी भी प्रेगनेंसीज प्लान करेंगे या जितने भी इनके बच्चे होंगे वो सारे होंगे क्या आर एच पॉजिटिव सो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसको अच्छे से समझ समझना बहुत मजा आएगा चलो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा ठीक है आर एच पॉजिटिव पर्सन मैरिज आर एच नेगेटिव वुमन तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो कि फीटस एंड मदर ये दोनों इनका ब्लड सेपरेटेड होता है बाय अ प्लासेंटल बैरियर एक प्लासेंटल बैरियर प्रेजेंट होता है ये प्लासेंटल बैरियर है व्हाट इज दिस दिस इज प्लासेंटल बैरियर दिस इज फीटस एंड दिस इज मदर सो मदर एंड फीटस के बीच है आपका प्लासेंटल बैरियर फीटस है आरएच पॉजिटिव मदर है आरएच नेगेटिव तो फर्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल सही चली बेबी की डिलीवरी हो गई डिलीवरी तक कोई प्रॉब्लम नहीं बट डिलीवरी के टाइम क्या होगा डिलीवरी के टाइम ये प्लासेंटल बैरियर रप्चर करेगा है ना डिलीवरी के टाइम ये प्लेसेंटल बैरियर रप्चर करेगा तो उसके वजह से क्या होगा फीटस एंड मदर का ब्लड मिक्स हो जाएगा ठीक है ऑब्वियसली बैरियर ब्रेक होगा तो ब्लड मिक्स हो जाएगा अब ब्लड जब मिक्स हुआ तो ये जो फीटस आर एच पॉजिटिव है इसकी जो आर एच एंटीजन है वो भी चली जाएगी मदर के पास अब मदर क्या है मदर है आर एच नेगेटिव यानी आर आर इसके पास आर एच एंटीजन है ही नहीं तो जब फीटस का आर एच एंटीजन मदर के पास जाएगा तो मदर को रहेगा अरे ये क्या हुआ ये इसके लिए एक फॉरेन सब्सटेंस का काम करेगी और मदर क्या करेगी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगी क्या बना देगी एंटीबॉडीज व्हाट विल द मदर डू द मदर विल मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दर एच पॉजिटिव फीटस बट यहाँ डिलीवरी तो हो चुकी है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है डिलीवरी हो चुकी है अब जो प्रॉब्लम आएगी वो आगे की प्रेगनेंसीज में आएंगी क्योंकि इम्यून सिस्टम की एक खास बात है कि इम्यून सिस्टम की मेमोरी बहुत अच्छी होती है कोई भी अगर एंटीजन आता है और उसने एंटीबॉडी बनाई तो उसको याद रहता है कि किस इंसल्ट के लिए मैंने एंटीबॉडी बनाई थी ठीक है आप खुद सोचो अगर आपको कोई इंसल्ट करता है और आपको वो बात ध्यान रहती है तो क्या वो बंदा जब आपको दोबारा या तिबारा इंसल्ट करेगा तो आप उसको काउंटर अटैक करोगे करोगे है ना उसी उसी की तरह आप इसको समझो तो क्या हुआ फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर ने एंटीबॉडीज बना ली और उसको मदर के इम्यून सिस्टम ने याद रखा तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं हुई बट डिलीवरी के टाइम में क्या बनी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज एंटी बन गई। अब देखो अब सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा सेकेंड प्रेगनेंसी में फिर से ये प्लेसेंटल बैरियर है है ना ये है फीटस और ये है मदर फीटस है आर एच पॉजिटिव मदर क्या है आर एच नेगेटिव यानी आर आर अब मदर के पास एंटीबॉडीज हैं और ये उसके इम्यून सिस्टम को याद है मदर के पास जो एंटीबॉडीज हैं उनका नाम है आई जी जी ये देखो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज और ये ये सारा कुछ होगा आपका हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में जो हम बहुत डिटेल में करेंगे एंटीबॉडीज बहुत टाइप की होती है बट अभी कौन सी एंटीबॉडी बनाई मदर ने आईजीजी और आईजीजी एंटीबॉडी की सबसे खास बात पता है क्या है दिस इज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लैसेंटल मेम्ब्रेन ये सिर्फ ऐसी अकेली एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती है तो so, यहां पे ये वेट नहीं होगा कि डिलीवरी हो तब प्लासेंटल मेम्ब्रेन ब्रेक हो ये जो एंटीबॉडी है ये सीधे प्लासेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और फीटस के पास चली जाएगी क्या करेगी ये जो आई एंटीबॉडी है दिस विल स्ट्रेट अवे क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर एंड विल गो टू द फीटस और ये फीटस के पास जाके क्या करेगी दिस विल कॉज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या करेगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉज कर देगा उसके वजह से क्या होगा फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी फीटस या जो न्यू चाइल्ड है उसको अनीमिया हो जाएगा उसको जॉन्डिस हो जाएगा क्या हो जाएगा अनिमिया एंड जॉन्डिस और इस पूरे टर्म को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस अब मैं आगे वाली स्लाइड में दोबारा इसको रिटर्न फॉर्म में सब कुछ रिपीट करूंगी आपको ये और क्लियर हो जाएगा सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस्ट ये आ गई आपकी फर्स्ट प्रेग्नेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथली हुई कोई दिक्कत नहीं हुआ बस डिलीवरी के टाइम में जब प्लेसेंटल मेम्रेन ब्रेक हुआ तो मटर्नल और फीटस का ब्लड कॉन्टैक्ट में आया और क्या किया मदर ने एंटीबॉडीज बना दी फीटस के अगेंस्ट और मदर के इम्यून सिस्टम ने यह बात याद रखी जब सेकेंड प्रेगनेंसी आई तो क्या हुआ सीधे IgG जो एंटीबॉडीज बनाई मदर ने वो गई फीटस के पास वो कहाँ गई फीटस के पास और फीटस को उसने कर दिया क्या किया फीटस के आरबीसी को क्या किया लाइसिस क्या किया लाइसिस एरिथ्रोब्लास्टोस फीटालिस इज ऑल्सो नोन एज द्यूमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बोर्नोलिटिक दूसरा नाम आप इट इज नोन एज द डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यू बॉर्न अब इसका पूरा प्रोसेस समझो और इसके बाद अब अपनी एनसीआर टी का ये वाला पैराग्राफ पढ़ना ये दिया है एनसीआरटी में बट बहुत कंसाइज तरीके से दिया है ठीक है कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको जो नहीं वहां पे समझ आए होंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा यू गो बैक एंड रेफर टू एनसीआर एंड फिर आप देखना कि आपको कितने ईजिली और कितने अच्छे से समझ आएगा सो आरेंज एंटीजेंस ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू दर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड आर सेपरेटेड वेल बाय द्लासेंटा प्लासेंटा दोनों ब्लड को सेपरेट करके रखता है However, during the delivery of the first child, there is the possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of the Rh positive blood of the fetus. In such cases, the mother starts preparing antibodies against the Rh antigen in the blood. In the case of subsequent pre uh, pregnancies, the Rh antibodies from the mother who is Rh negative.

अब ऑब्वियस बात है मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जरूर होगा उसका तो उसका ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीजिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड दिस इज एम सी क्यू सो इमीजिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड हम मदर को क्या इंजेक्ट कर देंगे एंटी आर एच एंटीबॉडीज और एक जो कमर्शियली अवेलेबल एंटी आर एच एंटीबॉडी है उसका नाम है रोगैम इसको प्लीज एमसी याद रखना ये हम इंट्राडर्मली देते हैं आई इंट्राडर्मली ये इंजेक्शन होता है रोग का जो कि हम डिलीवरी फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड के जस्ट आफ्टर डिलीवरी देते हैं एंड वो कुछ नहीं होता दैट इज जस्ट एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू द मदर ताकि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में फीटस को कोई हार्म ना हो विद दिस वी कंक्लूड टूडे सेशन वेयर वी डेल्ट विद टू ब्लड ग्रुप दैट इज एवीओ एंड आर एच टू ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ा एवीओ एंड आर एच आज के बाद आपको ओ यूनिवर्सल डोनर है ए बी यूनिवर्सल रेसिपियंट है ये रखने की जरूरत नहीं होगी यू कैन वेरी वेल रीजन एड आउट ओके सो आने वाले लेक्चर्स हम और कुछ बढ़िया सा टॉपिक लेके आने वाले हैं अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसपे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिखें डू लाइक डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो ओके जल्दी मिलेंगे एक न्यू सेशन के साथ Thank you so much.